सो हाय यूट्यूब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट बेसिकली इज़ डार्क वेब। एंड मैं इस वीडियो को काफ़ी सिंपल रखने वाला हूँ, ठीक है। इसमें और इस वीडियो को साथ ही साथ मैं काफ़ी छोटी से छोटी रखने की भी कोशिश करूँगा। सो आज की इस वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दैट इज़ नॉट समथिंग कि भाई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, कि मतलब इतना तो बेसिकली हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ शेयर। सो स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ इंटरनेट, कितने तरीके का मतलब इंटरनेट को हम डिविजन कर सकते हैं, ठीक है। सो पूरे इंटरनेट को हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट सरफेस वेब, सेकंड डीप वेब, थर्ड इज डार्क वेब। सो मैं आप सभी को वन बाय वन इन तीनों वेब के बारे में आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। सो जैसे कि आप यहाँ पर पाई चार्ट में देख सकते हैं कि सरफेस वेब का वेब परसेंटेज जो है वो सिर्फ 5% है। इसमें आपके सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स, गूगल, बिंग एंड वो सारी वेबसाइट जिनको आसानी से अपने फ़ोन से एक्सेस किया जा सकता है, वो आप यहाँ से सर्व कर सकते हैं। सो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इंटरनेट पर अपने क्रोम, मोज़िला या किसी नॉर्मल ब्राउज़र से एक एक वेबसाइट भी विज़िट कर लें तो आप पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% जो पूरे इंटरनेट है, ठीक है, उसका सिर्फ आप 5% ही विज़िट कर पाएंगे। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना। सो मन में क्यूरोसिटी हो रही होगी कि भाई बाकी चीज़ें क्या हैं यार। सो इसी बात पे चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द डीप वेब। सो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट, इट कंटेन अबाउट मोर देन 90% ऑफ टोटल इंटरनेट। सो डेफिनेटली एक बड़ा टॉपिक है बात करने के लिए, ठीक है। सो डीप वेब बेसिकली कंटेन्स डाटा बेसिस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स, सम काइंड ऑफ डाटा जो आपके वेब ब्राउजर पर इंडेक्स नहीं होता है। अब आप कहेंगे वेब ब्राउज़र पे इंडेक्स होने का मतलब क्या है भाई, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सपोज़ आपकी गूगल ड्राइव है, ठीक है, उसमें आपने कुछ फ़ोटोज़ सेव कर रखी हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो फ़ोटोज़ आपको गूगल पर मिल जाएंगे। अगर मैं आपकी आईडी, लेट्स सपोज़ मुझे आपकी जीमेल आईडी भी पता है, मैं उसको सर्च बॉक्स में लिखूं, वो सारी फ़ोटोज़ आपकी आ गई हैं, है ना। तो और ऐसा भी नहीं है कि कोई जो भी मतलब गूगल पे किसी भी तरीके से उन्हें देखा जा सकता है। सो अब क्या है वो इंडेक्स का इससे रिलेशन? अब वो ऐसी भी फ़ोटोज़ नहीं है जो सिर्फ सर्वर ही देख सकता है। अब अगर वो सर्वर साइड के लिए ही होती, अगर वो डाटा सर्वर के लिए ही होता तो शायद आप और हम अपनी गूगल ड्राइव नहीं एक्सेस कर पाते। सो डाटा है कहाँ पे? दैट इज़ बेसिकली नॉट इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन्स। वो डाटा छुपा हुआ है, उसको उस पर एक इंक्रिप्शन है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डीप वेब। ये डीप वेब में वो सारा ऐसा डाटा है जो नॉर्मल ब्राउज़र पर इंडेक्स नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट वाज ऑल बेसिक अबाउट द डीप वेब, ठीक है। बट डार्क वेब पे आने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे इंटरनेट, जैसे सरफेस वेब है ना, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं अपनी यूजुअल, है ना, लैंग्वेज में। सो जैसे सरफेस वेब है, जो उसकी जो वेबसाइट्स होती हैं, जो उनका एक्सटेंशन होता है, वो .com, .in, .net, .org, लाइक दिस, है ना, इस तरीके से होता है। सो उसी तरीके से अब जो डीप वेब पे वेबसाइट्स हैं ना, उनका एक एक्सटेंशन होता है अलग, जिसे कहते हैं .onion। और उस एक्सटेंशन के साथ की जो वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र चाहिए, दैट इज़ टोर ब्राउज़र, ठीक है। अब टोर ब्राउज़र क्या है? टोर ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र है बेसिकली जिससे मतलब उसमें लेयर्स होते हैं, उसमें थोड़ा ट्रैक करना आपको मुश्किल होता है। अगर उसके साथ आप VPN लगा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको ट्रैक करना। ये नहीं कह रहा कि टोर क्रैक नहीं हो सकता, टोर के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। ओके, सो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इसका सेकंड पार्ट जिसमें मैं आपको बेसिकली बताऊंगा व्हाट इज़ डार्क वेब, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ शेयर इफ़ यू लाइक।